बड़ी खबर उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से, जहां पर आजमगढ़ पुलिस ने असलाह फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। दर्जन भर निर्मित असलहों और 14 अर्ध निर्मित असलहों के साथ दो अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर पुलिस जगह जगह गुंडों माफियाओं के ठिकाने पर छापेमारी अभियान चला रही है, जिसके तहत आज सिधारी थाना पुलिस को सूचना मिली कि आजमगढ़ के सिधारी थाना क्षेत्र के हथिया गाँव में नदी किनारे कुछ लोग अवैध हथियार बनाते हैं। सूचना को सही पाते हुए पुलिस ने मौके पर छापेमारी की, जहां से दो अभियुक्तों को मौके से गिरफ्तार किया गया है। ये युवक पहले भी कई मुकदमों में वांछित रह चुके हैं। वहीं पकड़े गए अभियुक्तों के पास से एक दर्जन से ज्यादा निर्मित तमंचे, कारतूस और हथियार बनाने के औजार बरामद किए गए हैं। साथ ही 14 अर्ध निर्मित असलहा भी बरामद किया गया है। वहीं मीडिया से बातचीत करते हुए पुलिस अधीक्षक नगर ने बताया कि पकड़े गए अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करते हुए इनके संपत्ति का भी जब्तीकरण किया जाएगा और विधिक कार्रवाई करते हुए आज इन अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक नगर शैलेंद्र लाल ने बताया कि गिरफ्तारी करने वाली पुलिस टीम को इनाम की भी संतुति की गई है और इस तरह का अभियान आगे भी चलता रहेगा। ग्राम हथिया थाना सिधारी, यहाँ पर नदी के किनारे जहाँ पे खरपतवार थी और जहाँ जंगल था, इसके यहाँ पर शस्त्र बनाने की एक फैक्ट्री चल रही थी, जिसमें दो व्यक्ति जयप्रकाश और राजेश नाम से पकड़े गए और इनके पास से निर्मित एक दर्जन शस्त्र पकड़े गए और 14 अर्ध निर्मित शस्त्र इनके द्वारा इनसे पकड़े गए हैं। ये इनके खिलाफ पहले भी मुकदमे थे। जयप्रकाश है, इसके 5 मुकदमे पहले से हैं और राजेश के 4 मुकदमे पहले से हैं। तो इन दोनों लोगों को गिरफ्तार किया गया और कारतूस भी इनसे बरामद हुए हैं। पुलिस टीम को इस अच्छे कार्य के लिए इनाम के लिए संस्तुति करी गई है इनकी, और क्योंकि इनके पहले मुकदमे, इन अभियुक्तों के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट की कार्रवाई करी जाएगी और इनके प्रॉपर्टी का जब्तीकरण किया जाएगा।